तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके ग्राम पंचायत में कौन कौन से न्यू कार्य आए हैं, जैसे कि बांध निर्माण या डोबा निर्माण या फिर खेत की समतलीकरण या फिर सड़क योजना? ऐसे कोई भी कार्य अगर आपके गांव में आए हैं तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं, उसका लिस्ट इस वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, जैसे होता है कि ये मनरेगा के अंतर्गत बहुत सारे काम आते हैं, तो उसका लिस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा लिस्ट निकाल के दिखाऊंगा और कैसे निकाला जाता है वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक में हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सी टाइप करना है एनरेगा, एन रेगा, REGA। उसके बाद इसे आपको सिंपल से यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह से आपका वो फर्स्ट नंबर में उसका वेबसाइट खुल जाएगा। तो वेबसाइट में हमको नहीं जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके नीचे एक और ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत, इसमें आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आपको खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेट रिपोर्ट्स, इस ऑप्शन में आपको सिंपल से क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉब कार्ड, जॉब स्लिप, MSR रजिस्टर, पेंडिंग वर्क्स, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। तो आप यहाँ से अपना जो भी स्टेट है यहाँ से आप अपना चूज कर लेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से जिसका भी स्टेट नहीं खुलेगा, कभी कभी ये होता है कि आपका स्टेट नहीं खुलता है, लेकिन आपको ट्राई करते रहना है, बीच बीच में खुल जाता है। तो उस टाइम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना झारखंड क्लिक कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से खुल गया है। खुलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आपको चूज करना है। तो चलिए मैं चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो करंट अभी चल रहा है वही वाला आपको चूज करना है। तो 2021 चल रहा था तो 2021 चूज कर लेना है। उसके बाद उसके नीचे में आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसके नीचे में ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो भी ब्लॉक यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी पंचायत है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका पंचायत है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक प्रोसीड का बटन यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत रिपोर्ट्स, आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है आप जो स्टेट चूज किए हैं सही है, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पंचायत, यह सही है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेक्शन, बहुत सारा सेक्शन बना हुआ है। तो आपको सबसे पहले इस सेक्शन में आना है, R5IPPE। इस सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो ऑप्शन खुल के आ गया। एक है एप्लीकेशन रजिस्टर, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर हमको सेकंड ऑप्शन में आपको क्लिक करना है इस जगह में। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर कुछ फिल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट के नीचे या मतलब डिस्ट्रिक्ट के नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट ऑप्शन आ रहा है इस जगह में। तो यहाँ पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी काम होते हैं, वर्क्स होते हैं, जैसे कि कोस्टल एरिया, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, फूड ग्रेन, इस तरह का आपको मनरेगा के अंतर्गत इस तरह का काम आता है। जैसे कि रूरल कनेक्टिविटी, रूरल सैनिटेशन, उसके बाद प्लेग्राउंड, अदर वर्क्स, लैंड डेवलपमेंट, इस तरह का काम होता है मनरेगा में। यहाँ से आपको क्या करना है, ऑल में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ आपको ब्लॉक के नीचे में एक और सिलेक्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, ये वर्क स्टेटस है, इसमें आपको सिंपल से क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ
ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीटेड यानी कि जो काम कंप्लीटेड हो गया है वो काम दिखाएगा, उसके बाद ऑन गोइंग यानी कि जो काम अभी चल रहा है फिलहाल, तो इसमें अगर सिलेक्ट करेंगे तो वही काम दिखाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, न्यू काम देखना है, तो न्यू में हम लोग को सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है। इस जगह में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके बाद फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस ऑप्शन में आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईयर सब आ गया है। तो यहाँ पर न्यू काम देखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो अभी करेंट में चल रहा है उसी को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 2020-21, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने पूरा लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट आ गया कि 2020-21 में क्या क्या काम आया है इस पंचायत में। तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये पूरा लिस्ट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंटो कुसी गाँव में महेंद्र महतो गर्स नयन आचार्य करता 700 फीट नाली का निर्माण, इस तरह से आपको काम पूरा डिटेल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्क एक कौन सा कैटेगरी में आता है, माइक्रो इरिगेशन वर्क्स में आता है इस जगह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा कैटेगरी भी आपको देखने को मिल जाएगा और ये कब आया है, ये न्यू है लेटेस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में आया है, उसके बाद उसका नीचे में बहुत सारे काम आया है देख सकते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से आपके पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से काम आए हैं, कौन कौन से कंप्लीटेड है या फिर कौन सा चल रहा है, वो आसानी से आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों इस तरह से आप कोई भी काम को पता लगा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से बस 5 मिनट में आप कोई किस अपने पंचायत के अंतर्गत मतलब पंचायत में कौन कौन से काम आया है और उसे आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैगनाडी गांव में गरम मातों के जमीन पर मेड बंदीकरण, उसके बाद ये सब बहुत सारे काम आए हैं देख सकते हैं, न्यू काम है, ये सब अभी तक काम हुआ नहीं है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।